मित्रों, अभी हमने कुछ जवान जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे उनके परिजनों को मेडल दिए, सर्टिफिकेट दिए, उनका सम्मान किया। कुछ जवान जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी, उनको भी पदक देने का काम किया। मगर मैं मानता हूं ये सभी जवान जो 35,000 के करीब जवान शहीद हुए हैं, सभी का सच्चा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर में एक परमानेंट शांति, एक निरंतर शांति की शुरुआत कर सकती है। इतने सारे जवानों का बलिदान हमसे मांग कर रहा कि कश्मीर के अंदर एक स्थिति ऐसी निर्मित की जाए जो हमेशा के लिए शांति बनी रहे, जवानों को जान गंवाने का मौका बारी न आए, जवानों को वहां व्यवस्था देखने के लिए कश्मीर का नजारा देखने का मौका मिले, इस प्रकार के कश्मीर की रचना करने का ये सभी बलिदानी हमसे मांग कर रहे। 70 साल से इसके तरफ ना किसी का साहस होता था, ना किसी की हिम्मत होती थी, ना किसी का ध्यान गया। इस बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, एक मजबूत मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाया और उसके पहले ही सत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35A को निरस्त करके कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत की। मैं आज आरएएफ के मंच से, सीआरपीएफ के मंच से देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कश्मीर और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर अब विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, कश्मीर अब शांति के रास्ते पर चल पड़ेगा और कश्मीर को डिस्टर्ब करने की जिसकी भी नीयत है उसको हमारे सुरक्षा बल ढंग से उसका जवाब देंगे और वहां पर एक चीरकाल के लिए शांति प्रस्तापित करने में हमारी हमें सफलता मिलेगी।